गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं अपनी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को, और हमें आज अपनी क्लास सिक्स में चैप्टर फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने पार्ट नाइन में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। इससे पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट से पार्ट एट्थ के बीच में, यानी कि 1 से 8 पार्ट में हम लोग अपनी क्लास को स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने नंबर सिस्टम को समझा और उस पर आधारित अपनी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को स्टडी किया विद सॉल्यूशन। इस सीरीज के पार्ट 7 और पार्ट 8 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल्ड स्टडी किया। आज हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए शेष सभी क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम ओपन करते हैं अपनी बुक। बेटा, आप सभी अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा, अपनी गणित की किताब को, अपनी मैथमेटिक्स की बुक को ओपन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अब तक स्टडी कर चुके हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 पर आधारित है। आज हम यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन सभी क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और विस्तार से समझेंगे। बिना समय गवाए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। इट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है। बेटा, द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज ₹16,995। द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो ₹16,995 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 326 सच रेफ्रिजरेटर्स। यदि एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट ये है, तो 326 रेफ्रिजरेटर कितने रुपए के आएंगे? तो इट इज वेरी कॉमन, हमें क्या करना होगा, हमको यहाँ 326 से 16,995 को मल्टीप्लाई कर देना होगा। दैट्स मीन जो दे रखा है, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 16,995 एंड द कॉस्ट ऑफ 36 सच रेफ्रिजरेटर्स। जब हमें इनकी कॉस्ट लेनी होगी तो हमें क्या करना होगा, यह 16,995 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 326 के साथ। अंडरस्टैंड, इन दोनों संख्याओं की जो मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा बेटा, जो हमारा गुणा आएगी, वो हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई हमको कैसे करनी है। हम दोनों नंबर्स को इस प्रकार से लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बेटा ये संख्या जो है सामने आती है, और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 2 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर के साथ। जब हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये संख्या आ जाएगी। एंड देन लास्ट 3 से भी हम एक बार फिर से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करने पर हमको जो है ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, यदि हम इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के पास हमारे पास ये संख्या ये आ पहुंची है। इस प्रकार से इट इज आंसर, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ये जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है 55,40,370 रुपीज़, हमको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा 326 रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे आप अपने रफ नोटबुक पर कॉपी भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे अपनी फेयर नोटबुक पर भी कंप्लीट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, आपकी बुक को ओपन करके देखिएगा, अपनी बुक को साथ रखिएगा इस समय। द कॉस्ट ऑफ वन सोफा सेट इज ₹29,980। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 135 सच सोफा सेट, यानी कि यहाँ पर एक सोफा सेट की जो कॉस्ट है 29,980 है, और हमें पता करना है कि 135 ऐसे ही सोफे कितने रुपए के आएंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और हमने अपना क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है। द कॉस्ट ऑफ वन सोफा सेट इज ₹29,980 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 135 सच सोफा सेट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो है हम लोग बात करते हैं जानकारी की। जो जानकारी हमको यहाँ मिली हुई है, उसको हमें इसके साथ अटैच करना होगा, यानी कि लिखना होगा। क्या जानकारी मिली है बेटा हमको इस क्वेश्चन से, कि जो एक सोफा सेट है उसकी कॉस्ट हमारी ये है 29,980, ये हमारी कॉस्ट है सिंगल। और वो बात करता है कि जो बात आती है इसके सॉल्यूशन की,
देन द कॉस्ट ऑफ 135 सोफा सेट इक्वल टू 29,980 को मल्टीप्लाई हमें करना है किसके साथ, 135 के साथ। इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होगी बेटा वही हमारा आंसर होगा। और हाँ, आप इसे जो है माइनस मत समझ लीजिएगा, इट इज सोफा सेट ओनली। तो इसकी हम लोग मल्टीप्लाई एक बार आपको करके बताते हैं, लेकिन वो एक होमवर्क के रूप में होगी जो आपको अपनी रफ नोटबुक पे करनी होगी। ओके, उसी प्रकार से आप अपनी मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में कर सकते हैं। जहां मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ नोटबुक पर, ठीक उसी प्रकार से। और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमारे सामने ये होगा जो स्क्रीन पर मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाता है। लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। आप अपनी बेटा बुक में देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको हम समझते हैं हिंदी में से, टू स्टिच अ शर्ट, स्टिच मीन सिलाई करना, टू मीट 25 सेंटीमीटर। बेटा ये जो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है ये सेंटीमीटर है। क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, यानी कि एक शर्ट की सिलाई में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होती है। हाउ मेनी मीटर कितना कपड़ा इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 154 शर्ट्स। तो 154 शर्ट में 154 शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा ये हमें पता करना है। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो द क्लोथ फॉर वन शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। एक यदि हम अपनी बुक को शर्ट को सिलाई कराते हैं तो वहां उसमें लगने वाला जो कपड़ा है वो कितना होगा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेटा दो चीजें हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर, यहाँ पर दो इकाई आ गई है। हमने क्या करना होगा, हम इन दोनों को एक ही इकाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको हम एक ही इकाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो हमने सेंटीमीटर बना लेते हैं। जैसा कि हमको पता होता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तब क्या होगा, हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जो हमारी लंबाई दे रखी है कपड़े की। तो 2 × 100 प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि जहां मीटर लिखा हुआ है ये हमने यहां पर क्या लिख दिया है, 100। तो ये हमारे सामने बेटा कितनी जो है लेंथ आ जाएगी कपड़े की, 225 सेंटीमीटर, यानी कि 225 सेंटीमीटर कपड़ा आवश्यक है एक शर्ट को सिलने के लिए। अब बात करते हैं कि 154 शर्ट को सिलने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने 154 शर्ट को यदि हमें सिलना है, यदि 154 कमीजों को सिलना है तो हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। हमने 225 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, यहाँ 154 के साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैंने बेटा येलो किया हुआ है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 154 के साथ। और जैसे हम इसको 154 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये संख्या आ जाती है जो मल्टीप्लाई करने के बाद होती है 34,650 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए हमको 154 शर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अब यदि हम इसको सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं, यदि इसको हम सेंटीमीटर में ही लिखे रहना जाना चाहते हैं तो इट इज आंसर। और यदि हम इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं जैसा कि यहाँ हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर में जो लिखा हुआ है उसी में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तब क्या होगा कि जब हम 34,650 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमारा आंसर होगी। यही बेटा हमारा आंसर है। इसे हम अपने जो है रफ नोटबुक पर कॉपी भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ अपने इसे फेयर पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम आप पहुंचे हैं अपनी टेक्स्ट बुक पर, अपनी मैथ की बुक पर, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम अपने ब्लैक बोर्ड पर पहले राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद उसे समझते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। फ्रूट्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस, फलों को पैक किया जा रहा है किसमें, बॉक्सेस में, डब्बों में। ईच वेटिंग 25 किलोमीटर 500 ग्राम,
यानी कि 25 किलो 500 ग्राम वजन आता है एक बॉक्स में। ध्यान से समझिएगा, हाउ मैनी सच बॉक्सेस, ऐसे कितने बॉक्स कैन बी लोडेड, भरे जा सकते हैं इन एट ट्रक, एक ट्रक में, विच कांट कैरी बियॉन्ड 6018 किलोग्राम, जिसमें 6018 किलोग्राम वजन ले जाया जा सकता है। समझ गए हमने क्या करना है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिवाइडेशन। ओके, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पर अपना जो है जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है उसे हम लिख लेते हैं। वेट ऑफ वन ट्रक बॉक्स, तो वेट ऑफ वन फ्रूट बॉक्स इक्वल टू क्या उसमें बेटा संख्या दे रखी है, जो हमारे सामने दे रखी है संख्या, हम उसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कौन से, 25 केजी और 500 ग्राम, इसे हम लोगों ने यहाँ से जो है कॉपी कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी यूनिट की सिमिलियरिटी को ये हमें रखना है, क्योंकि यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है। तब हमने क्या करना होगा, या तो हम पूरी यूनिट को किलोग्राम में ही चेंज कर लें, या फिर पूरी यूनिट को ग्राम में चेंज कर लें। तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। यदि हम इसे ग्राम में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 1 kg = 1000 ग्राम, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हम इस बात को जानते हैं। वी नो मीन्स हम इस बात को जानते हैं। जब इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो संख्या होगी 25,500 ग्राम, ये संख्या जो है हमारे पास आ जाती है। अब देखते हैं कि ट्रक में एक साथ कितना वेट ले जाया जा सकता है। तो ट्रक में जो वेट ले जाया गया है वो कितना है, 6018 किलोग्राम, 6018 किलोग्राम वजन इस ट्रक में ले जाया जा सकता है। यदि हम इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, यह 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा 6018 को। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये संख्या, ये नंबर हमारे सामने आ जाएगा। और हम इस नंबर के साथ अब पता करते हैं जो मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेस, यहाँ बेटा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेस, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये है हमारा रियल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आधार पे हमें पता करना है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। हाउ मैनी सच क्लोथ्स, यानी कि वो नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस की हम बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड, यानी कि जितना लोड हमारा ट्रक ले जाता है उस लोड को हमें डिवाइड करना है एक बॉक्स में, जितने भी वजन का हमारा फ्रूट आ सकता है। तो हमने यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी हमारे सामने होगा बेटा वो हमारा आंसर होगा। यदि हम इसके डिवाइडेशन प्रोसेस की बात करें तो आप उसी प्रकार से अपना इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं कि आपने वो संख्या यहाँ लिखी जिसमें आपको डिवाइड करना है, और वो संख्या यहाँ है जिससे डिवाइड करना है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो संख्या निकल के आती है आंसर के रूप में 236, ये नंबर है हमारा बॉक्सेस का। दैट मीन्स भाई इट इज आवर आंसर, और हमने अपने आंसर को कन्फर्म कर लेना है। इस प्रक्रिया को आपको करना है आगे, ये प्रक्रिया मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ बेटा, कि यहाँ से जो आपको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड की प्रक्रिया आपके लिए है, इसे आप घर पे बैठ कर अपनी रफ नोटबुक पर कंप्लीट कीजिएगा और अपने आंसर तक पहुँचेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ए मशीन कैन प्रोड्यूस 4826 स्क्रू इन वन डे, एक दिन में 4826 स्क्रू बनाती है एक मशीन, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन वन ईयर 2016, वर्ष 2016 में वह मशीन कितने स्क्रू बनाएगी, इफ 65 हॉलीडेज वर देयर इन ईयर 2016, यदि सन 2016 में 65 हॉलीडेज होती हैं यानी कि 65 छुट्टियां होती हैं, तब यह मशीन एक वर्ष में कितने स्क्रू बनाएगी। अंडरस्टैंड, चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर बेटा, ध्यान से समझिएगा इसे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन, वर्किंग डेज इन द ईयर 2016। अब हमें पता करना है बेटा यहाँ कि जो हमारी वर्ष 2016 थी उसमें कितने दिन थे।
जैसा कि आपको ध्यान होगा, इसमें एक छोटा सा सीक्रेट है, वहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। जनरली देखा जाता है कि 1 ईयर हैज 365 डेज, कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ ईयर 2016 में वर्ष 2016 में 366 दिन हुआ करते थे। इसका रीज़न क्या है कि ये जो हमारा वर्ष था 2016 एक लीप ईयर के रूप में था, और हमारे लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, दैट्स मीन्स भाई वहाँ दिनों की जो संख्या थी वो 166 थी। यहाँ वर्किंग डे इन द ईयर 2016 इक्वल टू 366। अब हमने यहाँ क्या करना है कि जब हमारे पास टोटल जो डे हैं वो 366 हैं, उसमें से हमने क्या करना है, 65 डेज हॉलीडे। यहाँ जो हमारे सामने थी वो हॉलीडे कितनी थी, 65 डेज। 65 दिन की छुट्टियां हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब छुट्टियां तो उस दिन तो हमारी मशीन नहीं चलेगा, मशीन उस दिन नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस कर देंगे यहाँ से। तो जो टोटल वर्किंग डे होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 301, यानी कि 301 दिन हमारे पास बचे, यानी कि इतने दिन हमारी मशीन चली। ध्यान से समझना इस बात के लिए, लीप ईयर होता है 2016 एक लीप ईयर था जिसमें दिनों की संख्या थी 366, इसमें से हॉलीडेज रही कितने, 65 हॉलीडेज थी। यहाँ 65 हॉलीडेज को हमने 366 से माइनस कर दिया तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आती है, 301 डेज, यानी कि हमारी मशीन 301 दिन चली। और एक दिन में जो हमारी मशीन थी वो कितने पीस बनाती है बेटा, एक दिन में हमारी मशीन बनाती है 4826, यानी कि 4826 स्क्रू बनाती है हमारी मशीन। तब क्या करना होगा हमको, पूरे वर्ष में जो वर्किंग डे रहे हैं उसमें कितने उन्होंने जो है हमारे नंबर ऑफ स्क्रू बनाए हैं, तो हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, यानी कि जितने दिन वर्किंग डे रहे, जितने दिन हमारी जो है मशीन चली, और एक दिन में जितने स्क्रू बनाती है, हमने उन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने जो संख्या आती है बेटा, वो संख्या होती है जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये संख्या हमारे सामने जो है आ जाती है, क्या है, 1,45,22,626, इट इज द नंबर ऑफ स्क्रू। यह उन नंबर्स की संख्या है जो वहाँ एक वर्ष में बनाई गई है वर्किंग डे के दौरान। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर बेटा है, इसे आप ध्यान से समझ सकते हैं, और समझने के साथ आप अपनी रफ नोटबुक पर भी इसे कॉपी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इसे आप अपने फियर नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। बेटा विशेष ध्यान दीजिए कि जो स्टडी आपको ऑनलाइन कराई जा रही है, जिस क्लास में आप बैठे हो अपनी टेक्स्ट बुक लेकर, अपनी मैथ की बुक को लेकर, तो जिस समय आप अपनी वीडियो के सामने हो उस समय आपकी बुक आपके साथ रहनी चाहिए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन के सेंस को समझ जाओ। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपकी वीडियोस में आपको बताया है कि बेटा मुझे कमेंट करके बताया कीजिएगा कि आखिरकार जो कुछ स्टडी तुम्हारी चल रही है वो आपकी कितनी समझ में आ रही है। यदि आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि जो हम स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं ये यूजेबल है या फिर अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चे इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करके एज ए होल कंप्लीट सिलेबस को आपके सामने इसी प्रकार ऑनलाइन लेकर आऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप अपनी मैथ की बुक में देखिएगा बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई हाउ मच इज दिस नंबर लार्जर देन दैट नंबर, यानी कि यहाँ पर जो हम नंबर देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ 38,56,942, ये जो नंबर लिखा है ये कितना अधिक है किससे, 29,63,854। हमें इसे कैलकुलेट करना है, इसे हम ब्लैक बोर्ड पर लेकर चलते हैं, और हमने यहाँ पर ऐसे अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है। तो यहाँ हमें क्या पता करना है कि ये जो हमारे बेटा डिजिट जो नंबर है हमारा, ये नंबर कितना बड़ा है इस नंबर से, ये जो नंबर है कितना बड़ा है हमारे इस नंबर से। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कितना बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि ब्लू कलर को माइनस कर देंगे, कहाँ से, यहाँ जो हमारा रेड कलर में लिखा हुआ है इससे माइनस कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले माइनस फॉर्म में लिख लेना है, इन दोनों को क्या करना है पहले माइनस फॉर्म में लिख लेना है।
जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे सामने ये संख्या आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कितनी बड़ी है, तो 38,56,942 ये जो संख्या है इज 8,93,088। कितनी बड़ी है ये संख्या, इतनी बड़ी है किससे, इस संख्या से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बेटा हमारे सामने दे रखा है ये हमारा जो है आंसर फॉर्म में है, जिसे मैं आपको जो है येलो कलर से एडिट कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर है इसका। और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपनी मैथ की बुक में, वाई हाउ मच इज 58,36,008 स्मॉलर देन 60,60,360। तो हमें यही प्रोसेस वहां पर इस्तेमाल करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमें उसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करना है। ये हमारे सामने एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमारे सामने ये दी गई है, तो यहाँ हमें क्या करना है, हम यहाँ इनको अपने माइनस एन एन डेट्स मीन्स सब स्ट्रक्शन फॉर्म में लिख लेंगे और जो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। तो इस चीज़ को हम उसी लैंग्वेज में लिख देंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से हम इसी लैंग्वेज में लिखेंगे जो हमारा आंसर फॉर्म होगा, जो हमारा आंसर फॉर्म होगा। तो बेटा इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया है बेटा, जो हमने क्लास 6 क्लास में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, उस एक्सरसाइज को हमने विस्तार से समझा है और जाना है। यदि आप अपनी एक्सरसाइज को, अपने मैथमेटिक्स को एक ही पीरियड में यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करना चाहते हो, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में आप जो है यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहते हो, केवल एक ही वीडियो में एक ही क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और यदि आप एक्सरसाइज 1.3 को एक ही वीडियो में देखना चाहते हो बेटा, तो आप अपने तन्नु पापा जेके पर जाकर इसे एक ही वीडियो में एक ही क्लासेस में पूरा स्टडी कर सकते हो, जिससे कि बड़ी आसानी के साथ इसे आप अपनी रफ नोटबुक पर नोट भी कर सकते हो, उसके बाद उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।